वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड का पार्ट टू दे रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड है, बहुत सारे बच्चों की आवश्यकता है, बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है, क्योंकि वो क्लोज टेस्ट नहीं कर पाते, स्पीकिंग नहीं कर पाते और सही समय पर सही शब्दों का यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं धर्मेंद्र सर आपका स्वागत करता हूँ डी एस एल चैनल पर। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो गलत बात, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स तक जितने भी पार्ट करोगे सब आपको हेल्प मिलेगा। और चलिए देखते हैं एक एक करके पूरा वो कैप। ये देखिए, आपका पहला शब्द है स्टोरी। स्टोरी का मतलब कहानी और स्टोरी का मतलब मंजिल। अब स्टोरी साउंड लगभग सेम नहीं लग रहा, STORY और STORY, देख रहे हो? तो स्टोरी कहानी। अब एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हैव यू रेड दिस स्टोरी, क्या तुमने यह कहानी पढ़ी है। तो स्टोरी का मतलब होता है कहानी, जो बचपन में आप कहानी सुनते थे, बचपन में कहानी पढ़ते तो उसको स्टोरी कहते हैं। हैव यू रेड दिस स्टोरी। दूसरा है स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। मंजिल का मतलब इमारत, फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड मंजिल, तीसरी मंजिल। दैट बिल्डिंग हैज 5 स्टोरेज, वो उस इमारत में 5 मंजिलें हैं। तो 5 मंजिलें, आप भी बोलते हो कि मेरे घर में 2 मंजिला है, तो आई हैव 2 स्टोरेज। तो यहां बोलते हो आप, तो दैट बिल्डिंग हैज 5 स्टोरेज, उस बिल्डिंग में 5 इमारतें हैं, माने 5 मंजिलें हैं। इमारत मतलब वही बिल्डिंग, इमारत कहते हैं बिल्डिंग को, और मंजिलें कहते हैं फ्लोर को। तो जो एक एक फ्लोर होता है ना, उसे हम लोग मंजिल कहते हैं। तो स्टोरी मतलब मंजिल। तो दैट बिल्डिंग हैज 5 स्टोरेज। दूसरा वर्ड है स्टेशनरी और स्टेशनरी। स्टेशनरी जिसमें ERY लगा हो उसे कहते हैं पढ़ने लिखने की वस्तुएं, जिसमें ARY लगा हो उसे अचल, A का मतलब अचल, आप याद कैसे रखोगे? स्टेशनरी, ERY, लिखने पढ़ने की वस्तुएं। राहुल हैज अ स्टेशनरी शॉप, यानी राहुल के पास स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी का मतलब हुआ लिखने पढ़ने की वस्तुएं। और स्टेशनरी जिसमें A लगा हुआ है, A का मतलब अचल, याद रहेगा आपको, अचल का मतलब स्थिर, है ना। द कार कोलाइडेड विथ अ स्टेशनरी व्हीकल, कार एक खड़े हुए वाहन से टकरा गई, तो है ना, यानी कोलैप्स्ड कर गया। द कार कोलैप्स्ड भी कह सकते हो, द कार कोलाइडेड विथ अ स्टेशनरी व्हीकल। तो स्टेशनरी मतलब क्या हुआ, स्थिर था, अचल था, खड़ा था, उससे टकरा गई कार। तीसरा वर्ड है थ्रोन। अब थ्रोन का मतलब राजगद्दी और थ्रोन का मतलब फेंकना। थ्रोन THRONE, थ्रोन मतलब राजगद्दी। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डिड बाबर सीट ऑन द थ्रोन इन 1526, क्या बाबर राजगद्दी पर 1526 में बैठा था। तो थ्रोन का मतलब गद्दी, गद्दी बैठने को हम लोग थ्रोन बोलते हैं। तो डिड बाबर सीट ऑन द थ्रोन इन 1526, क्या बाबर राजगद्दी पर 1526 में बैठा था। अब थ्रोन का मतलब फेंका, थ्रोन, थ्रो का V2 V3 हो गया। तो हम कह सकते हैं हु हैज थ्रोन अवे दिस पेपर, इस कागज किसने फेंक दिया है, यानी यह जो कागज है उसको किसने फेंका है। तो हु हैज थ्रोन अवे दिस पेपर, इस पापर, इस पेपर को, इस कागज को किसने फेंका है। अगला वर्ड देख लो, टेल। टेल का मतलब कहानी, टेल मतलब कहानी। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ गुड नोवेल, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ गुड नोवेल, दो शहरों की कहानी एक अच्छा उपन्यास है। टेल का मतलब कहानी, जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं उसे हम टेल कहते हैं। और टेल का मतलब पूंछ, जैसे आप देखते हो काऊ के पूंछ होते हैं, है ना, तो जहाँ जिसके भी पूंछ होते हैं, ऑक्स के पूंछ होते हैं, तो जिसके भी टेल होते हैं पूंछ, मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, है ना, मंकी है, काऊ हैज अ लॉन्ग टेल, तो जिसके भी पूंछ होते हैं उसे हम टेल कहते हैं। दोनों का साउंड लगभग सेम है, इसे होमोफोन्स भी कहते हैं। ए सिमिलर वर्ड्स हैं, इसमें जो है इसके प्रोनंसिएशन सेम है बट मीनिंग इज डिफरेंट, है ना। इस तरह से आप एक एक वर्ड याद करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो को ना पूरे भारत में हर बच्चे को दो, तब आपको मजा आएगा। अगला वर्ड है टेबल। टेबल का मतलब मेज और टेबल का मतलब तालिका। तो टेबल नहीं बोल, तो टेबल याद कर लो,
टेबल पे बैठ जाओ, टेबल पे खाना खा लो। तो टेबल मतलब मेज। आई हैव केप्ट द पर्स ऑन द टेबल, मैंने अपना पर्स टेबल के ऊपर रखा है। तो टेबल मतलब मेज, यानी मेज के ऊपर रखा है। और टेबल मतलब तालिका, तालिका कहते हैं किसको, टेबल मतलब टेबल को, यानी कि आपको टेबल याद है, मतलब एक तो पहाड़ा वाला बचपन में टेबल पढ़ते होंगे आप पहाड़ा, और एक और टुडे आई हैव गॉट द टाइम टेबल फॉर द एग्जाम, यानी मुझे समय सारणी, तो टेबल का मतलब सारणी हो गया। और एक टेबल हम लोग वो भी याद करते हैं कि टेबल याद कर लिया, तो टेबल मतलब तालिका कहिए या समय सारणी कहिए। तो टुडे आई हैव गॉट द टाइम टेबल फॉर द एग्जाम, टाइम टेबल एग्जाम का हमको मिल गया है। अगला वर्ड है टू। अब टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, टी ओ टू। टू का मतलब को भी होता है, टू मतलब पास भी होता है, टू का मतलब से भी होता है ना। गो टू योर फादर, अपने पिता के पास जाओ, है ना। कम टू मी, मेरे पास आओ। गो टू हिम, उसके पास जाओ। आई एम गोइंग टू द स्टेशन, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। तो टू का मतलब होता है मंजिल के तरफ, तरफ नहीं मंजिल तक पहुंच जाना। अब टू को तुम टुवार्ड्स प्रीपोजिशन से जोड़ सकते हो। तो टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, जैसे आई एम कमिंग टुवार्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो कमिंग टू यू, और टुवार्ड्स आ रहा हूँ तो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो टुवार्ड्स हो गया टी ओ डब्ल्यू ए आर डी एस, टुवार्ड्स तुम्हारी तरफ हो गया। अब इसी में वर्ड है टू, टी डबल ओ टू। टू का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा, टू का मतलब जरूरत से ज़्यादा। सी लव्स मी टू मच, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो टू मच का मतलब होगा बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा, मतलब इतना नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया। तो टू का मतलब मोर देन रिक्वायरमेंट, है ना। टू का मतलब भी होता है, जैसे बोलते हो आई लव यू टू, आई लाइक इट टू, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू, है ना। मोटरसाइकिल इज सोल्ड इन दिल्ली टू। तो टू का मतलब भी होता है, आई लव यू टू, आई लाइक इट टू। तो टू का मतलब भी, और टू का मतलब ज़्यादा भी। तो टू का मतलब ये दो तरह से करते हैं। अगला वर्ड है वॉर्स। वॉर्स का मतलब हालत खराब होना, वॉर्स। और एक है वर्स, तो वॉर्स का मतलब डब्ल्यू आर ए सी, बदतर। ये पता है बैड का कॉम्परेटिव होता है, तो बैड का कॉम्परेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर्स, है ना। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हर फैमिली गॉट वॉर्स डे बाई डे। तो क्या पढ़ा हमने, द फाइनेंशियल कंपनी, द फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी को छोड़िए, द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हर फैमिली गॉट वॉर्स डे बाई डे। द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ हर फैमिली गॉट वॉर्स डे बाई डे, यानी कि उसके परिवार की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन बदतर हो गई है। और एक वर्ड है लास्ट वर्स। वर्स का मतलब होता है पद, कविता। तो वर्स बोलते हैं रीड दिस वर्स लाउडली, इस पद को, इस कविता को जोर से पढ़ो। तो वर्स का मतलब कविता, पद जोर से पढ़ो। इस तरह से आपने फटाफट इसको याद किया, इस तरह से एक बार स्पीड में मेरे साथ आप इसको बोल दीजिए, याद हो जाएगा। बोलो फटाफट, स्टोरी का मतलब बोलो ना फटाफट। स्टोरी मतलब कहानी, और स्टोरी मतलब मंजिल। तो स्टोरी स्टोरी, स्टेशनरी लिखने पढ़ने की वस्तुएं, और स्टेशनरी अचल सामान स्थिर हो, तो उसे स्टेशनरी कहते हैं, ए वाला, है ना। थ्रोन का मतलब गद्दी भी, और थ्रोन का मतलब फेंकना भी। तो थ्रोन राजगद्दी, और थ्रोन मतलब फेंका गया चीज। टेल का मतलब कहानी, और टेल का मतलब पूछ। टेल है कहानी है, टेल मतलब पूछ। टेबल मतलब मेज, और टेबल मतलब तालिका, समय सारणी या पहाड़ा, है ना। टू मतलब की ओर, के पास, को, और टी डबल ओ टू इतना ज़्यादा या भी। और वर्स का मतलब हालत खराब होना, बदतर। और वर्स का मतलब कविता या पद। और मुझे भरोसा है आपको याद हो गया होगा। तो देखा आपने, ये सारे वो कैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप ये सारे वो कैब आप याद कर लें, और याद कर करके आप डेली यूज में इसको लाएं। जब आप बोलें अंग्रेजी, लिखें अंग्रेजी, तो वर्ड टिल टिप ऑफ द टंग आना चाहिए, आपकी आंखों में, आपके दिमाग में ये वर्ड भरे होने चाहिए। जब भी कहीं देखें, आपके दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाइए। ये पूरा मैं लिस्ट दे रहा हूं, पार्ट वन पहले दे चुका हूं कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट टू लिखवा दूंगा। तो इसको भी आप ध्यान रखें, और पूरी तरह से इसको आप याद करें, और याद करके
शेयर जरूर करें, क्योंकि हर बच्चों की जरूरत है। आपको कहीं से वीडियो मिला है, आप DSL चैनल पर जाइए और जाकर के एक बार उसको देखिए और पूरे बच्चों को दीजिए, ताकि हर बच्चा भारत में महान बने। इंग्लिश हम लोगों के लिए जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सन। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।